हाय एवरीवन, तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए आईफोन 15 के कुछ कवर्स। तो ये स्पाइजन ब्रांड के हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये कुछ ऐसे हैं, ये मैंने आईफोन 15 परचेज़ किया था रिसेंटली, ये उसके लिए मैंने कवर्स लिए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ इनकी क्वालिटी कैसी है। ये काफ़ी अच्छे कवर्स हैं, ये मैंने पहले भी यूज़ किए हैं और इनका मटेरियल काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और इन्होंने कई बार मेरे फ़ोन को गिरने से और टूटने से बचाया है। मेरे पास ऑलरेडी एक कवर है तो उस बेसिस पे मैंने ये लिए हैं। वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, उसने मेरे को काफ़ी अच्छा आउटपुट दिया, तो इस वजह से मैंने सेम ब्रांड परचेज़ किया है दोबारा। मैं आपको चलिए दिखा देता हूँ इनकी क्वालिटी कैसी है और ये कवर कैसे दिखते हैं। तो इनका बॉक्स कुछ ऐसा सा है और बाकी पीछे कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं। तो चलिए पहले ये वाला दिखा देता हूँ आपको। इसको साइड रख देते हैं। ये ट्रांसपेरेंट कवर है, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी, काफ़ी स्ट्रांग है ये। मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप लेते हैं तो कोशिश करिएगा आप अच्छी क्वालिटी का कवर लें, क्योंकि कवर से आपका फ़ोन काफ़ी प्रोटेक्ट हो जाता है। और सपोज़ आप अपना फ़ोन एक्सचेंज करने जाते हैं तो एक स्क्रैच या एक माइनर डेंट भी आपकी वैल्यू को डिक्रीज़ कर सकता है जिस पे आप उसको देते हैं अपने फ़ोन को। तो इसलिए आप कोशिश करिएगा अच्छा कवर लें, अच्छा टेम्पर लें जिससे आपका फ़ोन प्रोटेक्ट रहे, और डिस्प्ले वगैरह तो डेफिनेटली प्रोटेक्ट ही रहनी चाहिए, तो ऐसा कवर कुछ लें। तो ये आपकी इसकी क्वालिटी है, देख सकते हैं आप, यहाँ पे ब्रांडिंग है स्पाइजन की। ये कुछ ऐसा है, इसकी फिल्म उतार देते हैं। ये देखिए काफी अच्छा है ये मेरा आईफोन 15 है, लगा के दिखाता हूँ कैसा लगने वाला है कवर। चलिए चढ़ा देते हैं इसको इसके ऊपर। आप देख सकते हैं इसकी फिटिंग कैसी है, काफी अच्छी फिटिंग है इसकी। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके कैमरे को भी प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पे आप देखिए तो इसकी ये जो बॉडी है ये थोड़ा बाहर निकली हुई है और आपका लेंस जो है कैमरे का अंदर है इसके, तो ये अगर गिरता भी है तो आपके कैमरे को प्रोटेक्ट कर लेगा। साइड से भी ये पूरा कवर ही है तो ऐसा कोई इशू नहीं आने वाला है। अगर आप इसकी एज भी देखेंगे यहाँ पे देखिए इसकी एज, ये इतना मोटा इसके ऊपर टेम्पर लगा हुआ है तब भी ये उसकी बॉडी को कवर कर ले रहा है, टेम्पर भी इसके अंदर आ रहा है। अगर आप एज देखेंगे इसकी यहाँ से देखिए, ये टेम्पर होने के बाद भी इतना अंदर चला गया है फ़ोन आपका, तो आपके फ़ोन को कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इससे अगर आप ये लगाते हैं। काफ़ी अच्छा भी लग रहा है दिखने में। देखिए आप, और बटन्स की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी क्लिकी है, इजीली क्लिक हो जा रहे हैं, कोई इशू नहीं है। तो चलिए अब दूसरे कवर के ऊपर चलते हैं। ये सिमिलर है, ज़्यादा कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है। तो अगर आप इसको ओपन करेंगे, इसको भी साइड में रख देते हैं, ये कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो उसकी डिटेल्स लिखी हुई है स्पाइजन की। तो ये मैक फिट है, तो ये दैट्स व्हाई यहाँ पे रिंग भी है सपोर्ट करने के लिए आपके वायरलेस चार्जिंग को। आप पास से देखेंगे तो यहाँ पे इसकी ब्रांडिंग है और इसका ये पैटर्न आप देख सकते हैं कैसा है। बटन की क्वालिटी आपको मैं चेक करवा दूँगा अभी जब मैं इसको छुड़ाऊँगा। तो चलिए इसे लगा के भी देख लेते हैं कैसा लगेगा ये फ़ोन के ऊपर। ये मैंने फ़ोन ले लिया,
फिटिंग काफ़ी अच्छी है, आप इसकी एजेस भी देख सकते हैं यहाँ पे। इसकी एज देखिएगा यहाँ से उठी हुई है, इतना मोटा टेम्पल लगाया उसके बाद भी इसकी इतनी बाहर निकली हुई है बॉडी, तो इसको आप डेफिनेटली लगा के अपने फ़ोन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आने वाला है। बटन की भी क्वालिटी अच्छी है, काफ़ी क्लिकी है। नीचे आप देख सकते हैं साइड से, और यहाँ पे भी सेम चीज़ है, ये बॉडी इसकी बाहर निकली हुई है कैमरा से, तो अगर गिरती भी है आपके फ़ोन को प्रोटेक्ट कर लेगी। अनटिल अनलेस आपके कैमरे पे कुछ डायरेक्टली हिट ना करे या छोटा पार्टिकल हिट ना हो, तब तक आपके कैमरे के लेंस को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि ये पार्ट इसका प्रोटेक्ट कर लेगा फ़ोन को। मैंने आपको सारे कवर दिखा दिए हैं जो मेरे पास थे, तो आप समझ पाए होंगे ये कवर कैसे, इनकी क्वालिटी कैसे है। और अगर आपको ये खरीदने हैं तो आप डेफिनेटली खरीद सकते हो। मेरी तरफ से इन कवर्स को थम्स अप है। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।